भी रक्षाबंधन। मान गए रुक्मिणी दादी आपको, जैसे कैसे करके आपने सबको मनवा ही दिया। थैंक यू वेरी मच। कीर्ति क्यों नहीं आई साथ? वो कहाँ है? उसे माँ के पास आश्रम जाना पड़ गया। माँ की तबीयत ठीक नहीं है जब से कार्तिक नायरा के बारे में सुना है। पर वो ही क्यों गई? कोई और भी तो जा सकता था ना, राखी के दिन तो उसका होना जरूरी था। मैंने कहा था मैं चली जाती हूँ, पर कीर्ति ने ही जिद की। उसने कहा कि रक्षाबंधन तो जन्माष्टमी तक कभी भी हो सकता है, और अगर मैं चली गई तो वो अकेली घर नहीं संभाल पाएगी। दीदी हमको बोल दी थी हम घर आके राखी बनवा लेते। I know, हमारी एक ही राखी कम हो गई आज के दिन। अरे ऐसे कैसे कम हो जाएंगी, तुम्हारी दीदी ऐसे कभी नहीं होने दे सकती। ये देखो तुम्हारे लिए राखी भी भेजी और एक स्पेशल मैसेज भी। लव कुश कार्तिक, आई एम सॉरी इस तरह राखी के दिन जा रही हूँ, पर बड़ी दादी को मेरी जरूरत है, वहाँ अकेली है। तुम्हारे पास तो पूरी फैमिली है, एक बहन भी। मानसी से मैंने कह दिया वो मेरी तरफ से तुम दोनों को राखी बांध देगी, और फिर मैं जब आऊंगी तो फिर से रक्षाबंधन कर लेंगे, तब वो सेलिब्रेशन होगी, है ना? अच्छा सुनो, राखी का गिफ्ट क्या चाहिए मुझे ये पूछोगे नहीं? मुझे गिफ्ट में तुम दोनों की स्माइल चाहिए। और कार्तिक सच पूछो तो इस बार राखी बांधने का मन नहीं कर रहा। जब मन ही उदास है तो फिलहाल के लिए मुझे माफ कर देना। बाय, लव यू ऑल। कीर्ति ने तो कह दिया कि उदास मत हो, लेकिन ये सब अपने बस में कहाँ होता है। वैसे मैं आप सब लोगों की बहुत आभारी हूँ जो आप लोगों ने मेरी बात मानी। देखिए ना, अलग अलग त्योहार मनाने में क्या मजा जो साथ में त्योहार मनाने में है। सबकी शक्लें कैसी हो जाती अगर हम साथ में नहीं होते तो। अब कोई धमकियां देगा तो उसकी बात माननी पड़ेगी ना। रुक्मिणी जी मानसी हमारी बेटी है, उसको लेके अगर आप हमें ब्लैकमेल करेगी तो। हे भगवान, इसमें ब्लैकमेल कहा क्या मैंने? मैंने इतना ही कहा ना कि बच्चे थोड़े दिनों में अमेरिका चले जाएंगे, हम सबसे दूर, इसलिए जितने दिन हो सकता है सब साथ मिलके रहे। अब आप ही बताइए इसमें क्या गलत कहा मैंने? सही गलत तो आप रहने ही दीजिए, मनमानी करनी थी तो कर ली आपने, तो तुम रोक लेती ना। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ जमघट इकट्ठा करने का, वो तो कीर्ति और मानसी की खुशी के लिए हम भी मान गए, वरना राखी और पूजा हमारे घर में भी हो सकती थी। कीर्ति तो है ही नहीं यहाँ पे, तो आप उसके नाम का एहसान क्यों जता रही हैं? एहसान नहीं जता रही हूँ मैं, जब ये बात छिड़ी थी तब कीर्ति थी और अब नहीं है तो क्या हुआ, मानसी तो है ना। तो फिर मानसी को हमारे घर पे भेज देती, वो वहीं पे अपने भाइयों को राखी बांध देती। तो तुम बेसिकली ये कह रही हो कि हमसे गलती हुई है जो बच्चों की खुशी के बारे में सोच के दोनों परिवारों को इकट्ठा किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप बिना मतलब के बात को मत बढ़ाइए प्लीज। मैं बात को नहीं बढ़ा रही हूँ स्वर्णा, हर चीज में शिकायत तो तुम्हें होती है ना, हम कुछ कहते नहीं इसका मतलब ये नहीं है। क्या मतलब है आपका, अभी भी कुछ बाकी रह गया है? एक एक ने तो सुनाया है मुझे। किसी ने कुछ नहीं सुनाया है, जो सही लगा वही कहा है, और हर किसी को अपना मत प्रकट करने का अधिकार है यहाँ। सारे अधिकार आप ही के परिवार को है ना, हम तो यहाँ पे सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने के लिए आते हैं। कुछ तो ऊपर वाले से डरो स्वर्णा, अपने इल्जाम दूसरों के सर पे थोप रही हो तुम। बस कीजिए आप लोग प्लीज। हमारी वजह से आप लोग सब इस सिचुएशन में, हर बात पे इश्यूज हो रहे, हमें बहुत गिल्टी फील होता है। प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, आप लोग अपने रिश्तों को नॉर्मल रखिए प्लीज। नॉर्मल तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है, ये आखिरी बार है जब हम सब मिले हैं, वो भी सिर्फ मानसी की खुशी के लिए। आज के बाद कुछ भी साथ में नहीं होगा, सब अलग अलग होगा, जैसे पिछले 2 सालों से होता हुआ आ रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। आज के बाद हम दोनों की राहें अलग अलग ही होंगी, ना कोई मान मुनव्वल होगा और ना ही किसी की जिद होगी। आज के बाद दोनों घरों में सब कुछ अलग अलग ही होगा, समझ लेना आज तक जो भी था सब खत्म।
बेटी जैसे बात मत कीजिए आप लोग। हाँ, हमारी वजह से आप लोगों में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। देखिए कार्तिक नेहरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं, हम यहाँ त्योहार मनाने आए हैं। किट्टी ने भी तो यही कहा है ना, उसने अपने मैसेज में लिखा है कि उन्हें सबके स्माइलिंग चेहरे देखने हैं, उदास नहीं। तो प्लीज उसके लिए से, उसके लिए भी और मानसी और अनमोल की खुशियों के लिए भी, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी खुशियों की किसी को परवाह नहीं, उनकी यादों में कोई कड़वाहट नहीं, बस खुशियां होनी चाहिए। हाँ चलिए ना, रस्म शुरू करते हैं। चलिए चलिए भैया, चलिए ना, चलिए चलिए। अब ये बालों में हाथ फेरेगा, कि अपनी बाल झटकेगी। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, ये कलर नायरा पे कितना जच रहा है। कितना हैंडसम लग रहा है। भूख लगी है कुछ, मुझे भी, चल उधर देखते हैं क्या क्या है। चल ये कार्तिक कहाँ चला गया? लवकुश के पीछे गया है खाने के काउंटर की तरफ। सॉरी तुम्हें फोन करने से रोक दिया, तुम परेशान दिखी तो सोचा कि जरूर कार्तिक को ही ढूंढ रही होगी, इसीलिए बता दिया। थैंक यू। उस दिन आपकी नाराजगी देख के बहुत तकलीफ हुई, सो सॉरी। आपने कोशिश की लेकिन फिर भी जो होना था उसे होने से रोक नहीं पाई। हाँ लेकिन ये बदकिस्मती सिर्फ मेरी नहीं है, हम सबकी है, खास तौर पर हम माओं की, मेरी तुम्हारी। सिर्फ कार्तिक नेहरा की शादी नहीं टूटी, हम माओं की प्रतिज्ञा टूटी है, हर कीमत पर खुशियां उनकी झोली में डालने की। उनका प्यार फेल हो गया, मतलब हमारी परवरिश फेल हो गई। वैसे देखा जाए तो हम दोनों ही फेल हो गए है ना। क्या खाए? वो चेक करके, अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ संभाल के, हाथ जल जाएगा। ठीक हूँ, तू खाएगा ये कुछ? हाँ चल दे दे। मैं देता हूँ। दे तो, हम सर्व करते हैं। रसगुल्ले में चटनी? ये क्या किया आपने कार्तिक भैया? कचौड़ी में रबड़ी और ये दही बड़ा? अब दोनों ठीक हो ना? अमीन? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हमें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं लगता है, दोनों को शौक लग गया है।
इसीलिए आप ऐसे बिहेव कर रहे। दीजिए दीजिए। सांसों की है यादें तेरी बंद आंखों में है तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे मैम कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रही हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को